बिग बॉस सीजन 16 के एक्स कंटेस्टेंट और बेकाबू शो के लीड एक्टर शालीन भनोट का अपने बेटे जॉर्डन को लेकर आया है ये बड़ा बयान। अपने एक्स वाइफ दलजीत कौर पे किया ऐसा रिएक्ट। चलिए आपको बताते हैं कि क्या वाकई शालीन भनोट जाने वाले हैं अपने बेटे जॉर्डन से मिलने केन्या। कैसे रिएक्ट किया है शालीन भनोट ने इस पूरी कॉन्ट्रोवर्सी पर, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। छोटे पर्दे की मशहूर अदाकारा दलजीत कौर फिलहाल दूसरी शादी कर केन्या शिफ्ट हो गई हैं। 18 मार्च को दलजीत ने बिजनेसमैन निखिल पटेल के साथ शादी रचाई और अब दलजीत अपने बेटे जॉर्डन और दूसरे पति के साथ केन्या शिफ्ट हो गई हैं। इस बीच निखिल पटेल ने यह बड़ा खुलासा किया है कि आखिर उनके और शालीन के बीच में उनके बेटे को लेकर क्या कुछ बात हुई थी। दरअसल निखिल पटेल ने ई टाइम से बात करते हुए कहा कि जब मैं शालीन भानोट से मिला तो मैंने उनको पूरी तरह से गुजारिश की कि उनके बेटे जॉर्डन को वो पूरी तरह से अच्छे से ख्याल रखेंगे, बाप का पूरा प्यार देंगे। इसके साथ साथ उनका कहना था कि जो प्यार उन्हें केन्या में मिल सकता है वो प्यार शालीन भनोट अपने साथ रखकर नहीं दे पाएंगे। साथ ही शालीन भनोट से जब इस बारे में पूछा गया तो शालीन ने साफ कहा कि जी हाँ मैं ज़रूर जाऊँगा, अखिल और दलजीत की शादी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ अपने बेटे जॉर्डन के लिए। वो अपनी नई जर्नी को शुरू करने जा रहा है और जॉर्डन जहाँ भी होगा, दुनिया के किसी भी कोने में होगा, मैं ज़रूर मौका मिलेगा तो मैं उससे मिलने भी जाऊँगा और उसकी खुशी का भी ख्याल रखूंगा। इसके साथ साथ शालीन भनोट ने यह भी साफ कर दिया कि वो बहुत ही जल्दी टाइम निकाल कर केन्या जाएंगे अपने बेटे से मिलने। फिलहाल आपका क्या है रिएक्शन इस पूरे कॉन्ट्रोवर्सी पे, लिखिएगा ज़रूर अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब।